हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक क्यूज। मेरा नाम गौरव है और हम बना रहे थे एक लॉगिन स्क्रिप्ट। ओके, तो हमारे पास एक लॉगिन फॉर्म है और हमारे पास हमारा कोड है फ्रंट एंड के लिए ये। ठीक है, एक सिंपल HTML फॉर्म कोड जिसमें हम लोगों ने ईमेल और पासवर्ड डिमांड किया है फ्रॉम द यूजर। ठीक है, अब चलते हैं और बनाते हैं कि हम इस एंटर्ड ईमेल और पासवर्ड को वैलिडेट और चेक कैसे करेंगे। ठीक है, कूल। सो सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं हमारा एक्शन। एक्शन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। यस, तो हम जो यूज करेंगे एक्शन सॉरी मेथड जो यूज करेंगे, हम मेथड यूज करेंगे पोस्ट, और एक्शन में हमारा होगा कि हमें किस पेज में इसे रिडायरेक्ट करना है। ठीक है, तो हम इसे करते हैं चेक लॉगिन डॉट PHP में। ठीक है, फाइन। अब चलिए हम सेव करते हैं इसे एक न्यू फाइल को एज अ मेरा लॉग इन पेज। तो हम लोगों ने डिफाइन किया था चेक लॉग इन डॉट PHP। ठीक है, तो अब हम बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं कि मैं इन डेटास को लेकर के, इन दोनों ईमेल और पासवर्ड के डेटा को लेके चेक लॉग इन के अंदर फीड करूंगा, और इस चेक लॉग इन से क्या होगा, मुझे ये पता चलेगा कि मेरा जो डेटा एंटर्ड है वो सही है या गलत है, और वो मुझे रिटर्न कुछ अप्लाई करेगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले चेक लॉगिन के अंदर जब मैं लॉगिन करूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं चेक करूँ कि ये पेज वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करते हैं कि अगर इसमें कुछ पोस्ट हुआ है तो वो मुझे शो हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इको कर लीजिए, या तो आप इको एक HTML टैग यूज कर लीजिए जिसको हम बोलते हैं प्री। ओके, एंड अगेन क्लोज कर दीजिए इसे प्री। एंड सिमिलरली नाउ इसमें चलें और प्रिंट करते हैं हमारा पोस्ट एरे। ठीक है, अब जो भी हमारे पोस्ट डेटा में है वो हमें यहाँ पे प्रिंट होके शो हो जाएगा। तो लेट्स एंटर, एक ईमेल आईडी एंटर करते हैं और एक पासवर्ड भी एंटर करते हैं। ओके, एंड देन लॉग इन करते हैं। नो डोंट नॉट नाउ। ओके, रिफ्रेश कर लीजिए जरा। चलिए कुछ भी एंटर करते हैं। ओके, एंड देन चेक इट आउट। ओके, नोटिस एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन इन लाइन नंबर 4। ओके, मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी और वो है ये। ठीक है, तो अब अगर मैं रिसेंड करूँ तो आप देख सकते हैं कि एज ए ईमेल मेरे पास जो ईमेल आईडी है वो ये है, और जो पासवर्ड है वो ऐसा कुछ है। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया कि हमारे मेन स्क्रिप्ट में हमारे पास ईमेल और पासवर्ड मिल जा रहा है विद द पोस्ट। ठीक है, अब इस स्क्रिप्ट में मुझे क्या करना है। इस स्क्रिप्ट में बेसिकली सिर्फ एक काम है जो इम्पोर्टेंट है, बट और भी चीजें होंगी जो आपके स्क्रिप्ट को मोर परफेक्ट बनाएंगे। ठीक है, और वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सबसे पहला काम, जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है हमारे लिए, वो है एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट डालना। क्या कि मान लीजिए इफ मैं चाहता हूं कि इफ मेरा जो पोस्ट है इसके अंदर जो ईमेल है, अगर हम ये चेक कर रहे हैं कि जो ईमेल और पासवर्ड है ये पर्टिकुलर सही वैल्यू है कि नहीं, तो अगर ये चीज गौरव है, ठीक है, अगर मेरा जो ईमेल है वो गौरव सॉरी गौरव एट द रेट ऑफ लॉजिकट्यूट डॉट कॉम है, तो मैं क्या करूं, तो मैं इससे आगे बढ़ूं एंड फिर मैं चेक करूं इफ पोस्ट पासवर्ड जो है वो लॉजिकट्यूट है कि नहीं। ठीक है, तो अगर डिसीजन मेकिंग का मतलब, अगर मेरा ईमेल आईडी ये है और उसके अंदर आके अगर मेरा पासवर्ड लॉजिकट्यूट है तो मैं कुछ करूंगा, एल्स मैं इको करूंगा, इको करूंगा क्या रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि मेरा ईमेल आईडी ये भी नहीं है तो मैं इको करूंगा एल्स
echo user does not exist. Okay, so पूरे login system में ये जो script होता है, ये जो decision making है, ये one of the main है, but still बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको include करनी पड़ती हैं ताकि हम चीजों को एक proper login system बना सकें. ठीक है, तो ये decision making script है. और अब चलते हैं हमारे script की तरफ और try करते हैं कि अगर मैं कुछ गलत value डालता हूँ तो मुझे क्या मिलता है. और आप simply से refresh कर सकते हैं, तो refresh करने में मुझे मिलता है कि user does not exist, because ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पास ये यूजर नेम और पासवर्ड था ही नहीं. तो अब चलें और देखते हैं कि अगर यूजर नेम ये डाला जाए और पासवर्ड मैं कुछ भी डाल दूं तो मुझे मिलता है क्या, नेवर रिमाइंड पासवर्ड. ओके, तब मुझे मिलता है रॉन्ग पासवर्ड. ओके, तो मेरा ये जो दोनों ही फॉल्स मेथड्स थे वो चेक हो गए. अब अगर मेरा ईमेल ये है, पासवर्ड ये है, तो मुझे इको करना चाहिए क्या. तो मैं इको करूंगा क्या कि यू लॉग्ड इन. ओके, और मान लीजिए यहां पे मैं सिंपली लगा देता हूं ये, तो इससे क्या होगा, मुझे पता चल जाएगा कि मेरा जो ईमेल एड्रेस है मैं उससे लॉगिन कर चुका हूं. ठीक है, तो अब अगर मैं रिफ्रेश करके देखूं, ओके सारी चीजें चेंज हो गई हैं. तो अब मैं इसे पासवर्ड डालता हूं, सी कंट्रोल वी एंटर. ओके, सिंटेक्स एरर इक्वल्स टू, ओ सॉरी, एंड यहां करें तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक मैसेज है, यूजर gaurav@logicuse.com लॉग्ड इन. ओके, तो इस तरह हम मेन डिसीजन मेकिंग बनाते हैं हमारे लॉजिक लॉगिन स्क्रिप्ट का. बट स्टिल अभी तक ये लॉगिन स्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं है, बिकॉज हमको इसको डेटाबेस से कनेक्ट करना है और हमारे बहुत सारी चीजें सेशन ऐड करना है और लॉग आउट क्रिएट करना है. ठीक है, तो एक काम और कर लेते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, वो है हम अपना लॉग आउट बटन बना लेते हैं और सिंपली हम एक एंकर टैग बना लेते हैं. ठीक है, जो मेरा क्या करे, जो लॉग आउट बनाए. सो लॉग आउट डॉट php पे मैं इसे रिडायरेक्ट कर देता हूँ और मैं कुछ फंक्शंस क्रिएट करूंगा लॉगआउट डॉट php पे ताकि मैं इसे वापस रिडायरेक्ट कर सकूँ. ठीक है, इस एंकर टैग को कंप्लीट कर लेते हैं और लॉगआउट सिंपल. ठीक है, लॉगआउट. सो अब मेरे पास क्या है, मेरे पास मेरा लॉगआउट बटन भी है जो कि कहीं रिडायरेक्ट कर रहा है, बट वो एक्चुअली में पेज एग्जिस्ट नहीं करता, हमने अभी तक बनाया नहीं. ठीक है, सो इस वीडियो के लिए इतना ही. अगले वीडियो में लॉगआउट स्क्रिप्ट कंप्लीट करेंगे और इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को और परफेक्ट बनाएंगे और उसे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे. ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको कोई डाउट हो तो, और प्लीज आपको अगर लेक्चर समझ में आए तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल में. थैंक यू.